नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना वायरस महामारी के बीच वायरस पासपोर्ट काफी चर्चा में है। इसी बीच चीन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। चीन ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यानी अब देश में आने और बाहर जाने वालों के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा जो यूजर का वैक्सीन स्टेटस और टेस्ट के नतीजे बताएगा। कई अन्य देश भी इस सर्टिफिकेट को लेकर विचार कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीचैट के जरिए उपलब्ध होंगे। सरकार ने सोमवार को इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि ये सर्टिफिकेट केवल चीनी नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा, फिलहाल इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। डिजिटल फॉर्मेट के अलावा ये सर्टिफिकेट कागज के फॉर्म में भी होगा। इसे दुनिया का पहला वायरस पासपोर्ट कहा जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन उन देशों में से हैं जो फिलहाल ऐसे परमिट को लागू करने के बारे में विचार कर रहे हैं। यूरोपियन संघ भी वैक्सीन ग्रीन पास पर काम कर रहा है। इसके जरिए नागरिक संघ के सदस्य देश और दूसरे विदेश जा सकेंगे। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार चीन में शुरू हुए इस कार्यक्रम में एक QR कोड शामिल होगा जो सभी देशों को यात्री के स्वास्थ्य की जानकारी देगा। चीन में घरेलू पासपोर्ट और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश के लिए वीचैट और दूसरी चीनी स्मार्टफोन ऐप में मौजूद QR कोड की जरूरत होती है। वर्ल्डोमीटर के आंकड़े बताते हैं कि चीन में अब तक 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 4,636 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में 85,201 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के कुल 11,86,38,111 मामले दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।